हाल ही में जिस तरीके से बीएसएफ जवान आज हम अपने घरों पर सुरक्षित बैठे हैं, आज उनके वजह से कहीं ना कहीं हम बैठे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। एक बीएसएफ जवान अपना दर्द बताता है और प्रधान नरेंद्र मोदी को भी अपना दर्द बताते हुए एक आशा करता है कि कहीं ना कहीं उसके उसको इंसाफ मिले। लेकिन बीएसएफ आला दर्जे के जो अधिकारी हैं उसको उस बीट से निकाल के दूसरी बीट में शिफ्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसको मानसिक संतुलन से बिगड़ने के लिए कह दिया जाता है उसको। क्या लगता है आपको, इसको एक न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आज हमारी रक्षा वो कर रहा है, अगर उनके साथ ऐसा हो व्यवहार तो इस देश की सरकार से हर किसी का एक विश्वास उठ सकता है। नहीं देखो रहमान जी, वैसी बात नहीं है। देश के हित में काम करने वाले, देश की सुरक्षा रखने वाले वो तो महान है। अपन तो यहाँ रहते हैं, सभी तरह का वो सुरक्षा का काम करने वाले जो जवान है, सीमा पे लड़ने वाले जवान है, उनको तो हम सलाम करते हैं, देश की सरकार भी सलाम करती है। यहाँ पे वैसा बात नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो टीवी में इसमें चैनल में जो आया है वो कदम वैसा नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए पूरे ताकत के साथ में माननीय अटल जी ने भी काम किया है। पिछले टाइम पोखरण का सपोर्ट करते हुए, वहां पे कारगिल का युद्ध करते हुए, आर पार की लड़ाई लड़ने का प्रयास उस पीरियड में भी माननीय अटल जी के नेतृत्व में, माननीय देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वहां पे भी देश के जवान को सम्मानित करने का प्रयास किया गया था। आज भी माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में देश के जवान को सलाम करने का काम हो रहा है, उनका पूरा सम्मान करने का काम हो रहा है। वहां पे कोई ऐसा जवान है कि उसका अपमान नहीं हो रहा है। देश की सुरक्षा में जो काम करते हैं उसका तो पूरा सम्मान होने करने का काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के नेता सभी लोग कर रहे हैं। वो गलत फहमी में ऐसा सोचते, अभी पिछले टाइम में एक टीवी पे न्यूज आई थी, उनको भोजन की भी अव्यवस्था है बोलते, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। कुछ चीजें हेतु पुरुष पर बताने का काम जो विपक्ष की सरकार है उनके माध्यम से बहुत सारी बातें वहां पे करने जा रहे हैं, टीवी पे दिखाने का काम हो रहा है, लेकिन वैसी बातें ऐसा हो सकता है क्या? रहमान जी आप बता सकते हैं? लेकिन जो जवान वहां तैनात है तेज बहादुर, उसने खुद ने एक वीडियो वायरल किया, उसने FB पे वीडियो डाला और सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया ने उस वीडियो को दिखाया, तो वो वीडियो कहां से गलत होगा? नहीं देखो कैसा है कि अभी भोजन की अव्यवस्था वगैरह नहीं, भोजन की सभी व्यवस्था है। एक तेज बहादुर बोलता है लेकिन उनके तरफ बहुत सारे तेज बहादुर वहां पे है। एक तेज बहादुर ने हेतु पुरस्पर वो सरकार को थोड़ा सा सहयोग करने से ये करता है, विपक्ष के साथ में ये करते हुए वो करता है, लेकिन बहुत सारे एक नहीं है ना तेज बहादुर, वहां पे सीमा पे हजारों नौजवान है वो नहीं बोल रहे ना। नहीं तो ऐसा उद्रेक हुआ रहता देश में ऐसा उद्रेक हुआ रहता कि आज हमारे जवान का सम्मान नहीं होता है तो सभी तरफ ऐसा मीडिया तो खोल के क्या होता। एक आदमी उसको वायरल करना और वो वहां पे भेजना, ये कोई उचित बात नहीं है। देश में तहलका मचा होता, आज जरूरत है हमारे जवान की, जवान को सुरक्षित करने की जरूरत है, जिस पाकिस्तान अपने तरफ तिरछी नजर से देखता है। लेकिन यही प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी साहब, सभी वर्ल्ड के पूरे देशों के साथ में संबंध रखते हुए, सभी को अपने साथ में रखते हुए आज पाकिस्तान के खिलाफ में बहुत बड़ा कदम उठाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। लास्ट टाइम सीमा पे जवान अपने मर गए, लेकिन उसका करारा जवाब देते हुए, सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए, पूरा आर पार की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने बता दिया कि भारत आज कुछ कमजोर नहीं है। आप तिरती नजर से इस देश के ऊपर देखोगे तो आर पार की लड़ाई लड़ते हुए हम आपको भी छोड़ेंगे नहीं, पूरी लड़ाई के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हम खड़े हुए हैं। ये भारत ने आज सिद्ध कर दिया है, बाकी देश भी उनके साथ में पूरे ताकत के साथ में है। बाकी कश्मीर जो है, कश्मीर ये भारत का अभी ये अंग है और ये अपन सर्व बोलते हैं, ये भारत का ये हिस्सा रहने से ये बार बार अपने एरिया में पाकिस्तान के लोग आते हुए आतंक को बढ़ावा देने का काम करते हैं, आतंक फैलाने का काम करते हैं। सही मायने से ये नोटबंदी होने से आतंकवादी को भी बहुत बड़ा इफेक्ट गिरा हुआ है, आतंकवाद कम हो चुका है। ये अभी गढ़चिरौली में काफी लोगों ने सरेंडर कर दिया है, बहुत सारे जो आतंकवादी और बाकी के काम करने वाले जो लोग थे वो सब सरेंडर होके आम आदमी की तरफ काम करना चाहते हैं। सरकार की दिशा में वो लोगों को कोई दिलासा देने का काम, उनको भी मुख्य प्रवाह में लाने का काम भी माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब कर रहे हैं। देश की सरकार और राज्य की सरकार उसी दिशा में काम कर रहे हैं और
पूरे जवान जो है उनका पूरा सम्मान इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा, कोई ऐसा अपमान नहीं होगा। उनको जो भी लगने वाली चीजें पूरी तरह से प्रोवाइड करने का काम सरकार कर रही है। वो एक हेतु पुरुष पर वहां पे जो दिया है तेज बहादुर सिंह ने, वो हेतु पुरुष पर करने का काम किया है और कांग्रेस का उनको साथ है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। उसी वैसा कोई ऐसा कदम वहां पे उठाया नहीं है, सभी प्रोटेक्शन के साथ में काम करने जा रहे हैं। आपने एक भी और एक क्लिप देखी होगी नागपुर में, यूसीएन के माध्यम से आई थी, यहाँ पे जो जवान ट्रेनिंग पे है, हमारे महिला ट्रेनिंग पे है, नागपुर में सेंटर है, वो महिला बच्ची जो है उनकी भी आपने वो एक क्लिप वायरल देखी होंगी, वो तो पूरे सेटिस्फाइड है, बच्ची सेटिस्फाइड है, उनको भोजन की व्यवस्था एक नंबर मिल रही है, वो भी आपने रहमान जी वो क्लिप देखी होंगी। तो इसलिए क्या है कि वो चलता है, कुछ लोग बोलते हैं कोई कांग्रेस के हित चिंतक रहते उनको भड़काने का काम करते, लेकिन वैसी बात नहीं है। पूरा सम्मान देश की सुरक्षा करने वाले हमारे बीएसएफ के जवान है, उनको भी मिलने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये थे मेरे साथ खास मुलाकात में उमरेड विधानसभा क्षेत्र के एमएलए सुधीर पारवे जी, जो बात कर रहे थे उमरेड नगरपुर सवाल जब किया गया तेज बहादुर के बारे में, तो तेज बहादुर जिस तरीके से वीडियो वायरल करता है उसके साथ विपक्ष की सरकार जो कांग्रेस है